हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार्डबोर्ड के कुछ ऐसे DIY जो होम ऑर्गेनाइज़र तो होंगे ही और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट DIY, देखिए हमारे यहाँ मिल्टन की बॉटल्स हो या फिर वाटर बॉटल हो, वैसे तो ये रखी ही रहती हैं घर पर बच्चों के लिए हो या फिर, देखिए मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले रही हूँ और ये हमें अराउंड चारों तरफ से ये कट कर लेना है। 5 सेंटीमीटर करके हम इसे कट कर लेंगे। देखिए कट कर लिया हमने, ये सरफेस है, ये बचा लीजिए, आप कभी भी एक काम आ सकता है क्योंकि कार्डबोर्ड है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं पीसीज और पीसीज मैं यहाँ पर पहले मैंने 4 कट किए हैं, 4 बाने इस जो इसके अंदर चला जाए इतना ही आपको कट करना है, क्योंकि हर बोतल का और हर जो बॉक्स है उसका मेजरमेंट थोड़ा अलग होता है। तो मैंने इस अकॉर्डिंगली इसे कट किया है कि वो उसके अंदर स्टिक हो जाए। पेस्ट करने के लिए आप फेविबॉन्ड, फेविकोल या फिर ग्लू गन किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ यू विश है आपके ऊपर। मेज़रमेंट मैं इसका भी लिख दूंगी ऊपर जो इसका दिया हुआ है मेज़रमेंट। और हमें ये स्टिक कर लेनी है अच्छी तरह से अंदर, ताकि ये भी थोड़ा स्ट्रोंग हो जाए, जो इसका बेस से स्ट्रोंग हो जाए। सो नेक्स्ट हमें अब क्या करना है, ग्लू गन की हेल्प से मैं इस पूरी की पूरी जो बोतल का बॉक्स है मैं इसे भी कवर कर ले दे रही हूँ चारों तरफ से। बोतल मैंने कवर कर दी है, तो जो इसका एक्स्ट्रा सामान है वो हम, जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम ग्लू गन की हेल्प से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और जो नीचे है उसे भी हम ग्लू गन की हेल्प से फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो कार्ड जो मैंने यहाँ क्लॉथ लिया है, आप इसकी जगह किसी भी तरह का वॉलपेपर या फिर पेस्टिंग पेपर या फिर जो डिज़ाइनर पेपर होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको फैब्रिक ही यूज़ करना है। तो अब मुझे क्या करना, मैं बना रही हूँ इसका कवर, और इसके मेजर के लिए भी मैंने 2 कट कर लिए हैं पीस, इसका भी मेजरमेंट मैं डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा और एक छोटा, अभी हमें क्या करना है, हम इन दोनों छोटे बड़े को ऊपर नीचे से स्टिक कर देंगे फैब्रिक से, और फिर मैं जो छोटा हिस्सा है वो अंदर की साइड स्टिक करूँगी ताकि ये फिट हो जाए अंदर, जैसे वो होते हैं ना टाइट एयर वाले, एयर टाइट वाले बॉक्स, हमें इस तरह से इसे कर लेना है। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी स्पून्स वगैरह हो या फिर स्टेशनरी का सामान हो, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए ये है इसका फाइनल रिव्यू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। देखिए आज के जो भी DIY होंगे वो सब के सब होंगे कार्डबोर्ड की हेल्प से। यहाँ मैं कार्डबोर्ड के 30 से 15 सेंटीमीटर 8 पीसीज कार्डबोर्ड के कट कर ले रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 8 पीसीज कट कर लिए हैं, और अब हमें क्या करना है, इन सभी कार्डबोर्ड को पेस्ट करना है। पेस्ट आप ग्लू गन की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर फेविकोल की हेल्प से भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इसे मास्किंग टेप की हेल्प से सील कर दे रही हूँ, ताकि इसकी जो थिकनेस है और जो अच्छी तरह स्टिकनेस है वो बनी रहे। देखिए ये मैंने यहाँ पर 8 कट किए हैं, हमें इन्हें स्टिक करना है एक के ऊपर, मतलब ये 8 पीस है तो हमें इनके 4 पीस बना लेने हैं और इन्हें अच्छी तरह से कवर देना है। 8 इंचज़ के मैंने ये बनाए हैं और कवर कर देना है। मुझसे वो क्लिप डिलीट हो गई थी तो मैं वो क्लिप नहीं दिखा पाऊँगी, आपको स्टिक कर देने हैं 2x2। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड स्टिक किए थे अब हमें उन्हें पेस्ट करना है। पेस्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आप फैब्रिक का, वॉलपेपर का, पेस्टिंग पेपर का, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पेस्टिंग पेपर ले रही हूँ, एक फेविकोल की अगर आप ज़्यादा झंझट नहीं डालना चाहते तो जो वॉलपेपर आते हैं जिनके पीछे ऑलरेडी स्टिकनेस लगी होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे ये पास पड़े हुए तो मैं इसीलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से हमें सारे के सारे बना लेने हैं, सारे के सारे चारों के चारों पीस। अब क्या कर रही हूँ मैं, 6 इंच की हेल्प से मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ निशान लगा दिए हैं, ताकि जो हमने वो स्टिक स्मॉल वाली बनाई थी हम उन्हें पेस्ट कर सकें। तो ग्लू गन की हेल्प से, और मैं बोलूँगी ग्लू गन की बजाय अगर
आप फेविकोल का यहाँ यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा निकल जाता है ग्लू। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे फेविकोल की हेल्प से ही स्टिक करें। देखिए ये चारों के चारे मैंने उसी अमेजर पर लगा दिए हैं, सेंटर में आपको लगाने हैं। अब जो ये जो हमारे दो एक्स जो अलग से हैं, इन्हें हमें क्या करना है, जो हमने ये लगाए हैं इन्हें सीधा कर इनके ऊपर पेस्ट कर देना है। लाइक फेविकोल, मैं दोबारा अगेन बोलूँगी ग्लू गन का हेल्प ना करें, फेविकोल का ही हेल्प करें आप इसे स्टिक करने के लिए। थिक फेविकोल का बहुत अच्छी तरह से वो स्टिक हो जाएगा ईजिली। ये फेविकोल की जो मैंने यहाँ लगाया था तो ये बाद में निकल गया था, तो वही मैं आपको बोलूँगी आप इसमें फेविकोल का ही यूज़ करें। तो ये है इसका फाइनल रिव्यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट DIY की तरफ। इसमें हमें एक शू बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जूते सबके घर आते ही हैं, तो हमें यहाँ पर चार पीस कट कर लेने हैं, एक बीच में सेंटर, बिल्कुल अकॉर्डिंगली जितना हमारा ये बॉक्स है। और इसके अलावा हमें चार पीसीज और कट कर देने हैं जो हमारे बीच में जो सेंटर में आएगा, और दो इसके जो चारों तरफ आएंगे, लाइक इस तरह से और इस तरह से। वो मैंने पेस्ट कर दिए थे, तो मैं आपको मेजरमेंट के लिए बता रही हूँ कि आपको ये क्या इसमें लेने हैं। तो शू बॉक्स का भी मैं बोलूँगी, सबका अलग साइज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप कट करें और इन्हें पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट मैंने जो बड़े वाला था, जो लंबे वाला था रेक्टेंगल शेप में, उसको मैंने फुली पेस्ट किया है, और इसकी एक साइड मैंने ओपन छोड़ दी है पेस्टिंग के लिए, ये साइड हमें पेस्ट नहीं करनी है। तो अब हमें जो हमारा शू बॉक्स है उसे हमें थोड़ा सा सील करना है। जो नीचे का सेंटर है वहाँ मैं एक पेस्टिंग लगाए दे रही हूँ, पेस्ट कर देंगे हम उसे अच्छी तरह से, और जो साइडों में है सारा जो भी साइडों का कवर है अच्छी तरह से पेस्ट करें, उसमें पल्प ना आने दें। और जो हमारी चारों तरफ है ये हमें सील कर देनी है ग्लू गन की हेल्प से, इजीली ये सील हो जाएगी। जो नीचे का एरिया है और जो ऊपर का एरिया हमें वो सारा का सारा सील कर देना है। और जो हमारे अब ये चारों तरफ की बाउंड्री अराउंड अंदर और बाहर, हमें इन और आउट दोनों तरफ से इसे कवर कर देना है, और ऊपर से इसी तरह से सील कर देना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब करते हैं हम अंदर का एरिया सील, मैंने यहाँ पर लगा लिया है, ये एक ग्लू गन की हेल्प से ही आप लगाएं, ये अच्छी तरह से सील हो जाएंगे। फिर यहाँ मैंने लगा दिया है, और इसे इस तरह जो हमने पार्ट छोड़ा था उसे बाहर की तरह पेस्ट कर देना है। यही प्रोसीजर हमें दूसरी साइड करना है, जो ग्लू गन लगाकर इसे अच्छी तरह से सटाकर हमें सेट कर देना है देखकर, और जो एक्स्ट्रा है उसे बाहर की तरफ पेस्ट कर देना है इस तरह से। और एक बात और मैं बोलूँगी, ये पेस्ट करने के बाद ही आप बाहर और अंदर का पेस्ट करें, और एक्स्ट्रा ज़रूर छोड़ें, क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जो मेरे से गड़बड़ हुई मैंने आपको वो बता दी, कुछ मिस्टेक्स जो हम कर ही देते हैं। आप जो भी आप मेजरमेंट काटें, जिस भी एरिए का आप पेस्टिंग पेपर काटते हैं उसे अच्छी तरह से और एक्स्ट्रा लेकर ही चलें। अब जो ग्लू गन की हेल्प से जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप था वो भी मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है, जो बीच में सेंटर का एरिया था, और जो हमारा बचे हुए दो और थे दोनों साइड में, मैं यहाँ पर उन दोनों को भी स्टिक कर दे रही हूँ अच्छी तरह से। देखिए मेरे चारों तरफ से मैंने अच्छी तरह से स्टिक कर दिया है ये, और ये ऊपर का एरिया छोड़ दिया है क्योंकि अब हम इस पे बनाएंगे एक और प्लेसमेंट रखने के लिए। तो यहाँ मैंने जो कार्डबोर्ड के बॉक्स का ऊपर का हिस्सा होता है हमें उसे उसी मेजरमेंट में कट कर लेना है, मार्क मैंने लगा दिया है, देखिए इस तरह से कट कर लेना है। और जो अपर हिस्सा है जिसकी एक बाउंड्री दी होती है उसे आप बाहर की तरफ ही रखेंगे, और मैं इसे भी पेस्ट कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है, और अगेन यहाँ पर वही सेम मिस्टेक, मैंने इसे ग्लू गन से स्टिक किया, लेकिन आप फेविकोल से ही स्टिक करें इसे अच्छी तरह से, ग्लू गन का यूज़ ना करें क्योंकि इसकी जो स्किन है वो थोड़ी शाइनी है, तो वो निकल जा रहा था उसके ऊपर से। तो ये मैंने इस तरह से अच्छी तरह से इसे कर दिया है स्टिक। और नीचे बोतल के हम इसके स्टैंड बनाने के लिए जो बोतल के कवर होते हैं, ढक्कन होते हैं, हम उन्हें स्टिक कर देंगे उसके ऊपर अच्छी तरह से, ताकि ये थोड़ा हाइट में भी अच्छा लगे और स्टैंड भी नीचे से गंदा ना हो। आप चाहें तो इसके नीचे कुछ कोम वगैरह भी आप अपने रख सकते हैं, या कुछ अदर चीज़ें भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से रख सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया है तैयार, और ये है इसका फाइनल रिव्यू।
ओवरऑल फ्रेंड आज के आई होप आपको ये DIY पसंद आए होंगे। तीनों के तीन DIY आप इसे किचन में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने रूम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप इन्हें कहीं भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे यूज़फुल आज हमने DIY बनाए हैं। और DIY पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। सो जल्दी ही मैं लेके आने वाली हूँ अपने मेकओवर की सीरीज़, किचन हॉल और लिविंग एरिया, बच्चों का रूम। तो मिलते हैं उन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।